बॉलीवुड में अच्छे एक्टर्स को मूवीज मिलना बंद हो रही है, लेकिन बॉलीवुड में रीमेक बनना नहीं बंद होंगी। एक और रीमेक है जो कि डिज्नी पर हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, जिसका नाम है गुड लक जेरी धतरी। तो हेलो दोस्तों, राम राम, हम हैं मितेश यूपी के भैया, बताएंगे मूवी का रिव्यू, नहीं खर्च होने देंगे फिर रुपया। स्टार्टिंग क्रेडिट्स के अनुसार ये एक रीमेक है कोयला में कोकिला की। जिसने भी ये मूवी देखी हो वो ये मूवी ना देखे, बाकी सबके लिए ये मूवी एक फ्रेश स्टोरी की तरह साबित होगी। तो कहानी कुछ यूं है कि एक मिडिल क्लास फैमिली होती है और उसी फैमिली में एक लड़की भी जिसका नाम है जेरी। पैसों की अथाह तंगी होने के कारण कभी लोगों के मसाज करती तो कभी मोमोज का ठेला लगाती, पर अभी तक इतने पैसों में घर चल रहा था कि उसी समय पता चलता है कि जेरी की माँ को कैंसर है और उसका इलाज करवाना है और उस इलाज के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेते हुए एक्सीडेंटली एक वे ऑफ मेकिंग मनी मिलता है जो कि ड्रग्स बेचने का है। उसके बाद ये मूवी किस तरह जेरी को पैसों के लिए स्ट्रगल कराती है, किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं जेरी को उसके लाइफ में, इन सब के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। वैसे ये मूवी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मात्र 2 घंटे की है। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा मूवी नहीं है या सारी मूवीज़ आप देख चुके हैं और आप बोर हो रहे हैं तो ये मूवी आपके लिए अच्छा टाइम पास होगी। और स्टार रेटिंग के हिसाब से इसे डार्क कॉमेडी मूवी कहा जा रहा है। चलिए बात करते हैं सभी की एक्टिंग की। तो जानवी कपूर ने प्रयास बहुत किया लेकिन कुछ खास नहीं कर पाई। यूपी के एक्सेंट को जिस तरह से बोलना चाहिए वो बखूबी निभा नहीं पाई। देखो भैया, हम हैं यूपी से तो हम जानते हैं कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो अच्छी बात है मूवी को ज़्यादा खींचा नहीं गया है, लेकिन मूवी नॉर्मली फ्लोली स्लोली बढ़ती रहती है। डार्क कॉमेडी इसलिए क्योंकि कहीं पर वल्गर कंटेंट है यूज़ किया गया है, इसलिए इसको डार्क कॉमेडी कहा गया है। कॉमेडी कुछ खास कमाल की नहीं है, लेकिन अगर एक्टिंग प्लस कॉमेडी की तारीफ करनी है तो दीपक दुबरियाल की तारीफ करनी होगी। इन्होंने अपने नॉनसेंस से भरे किरदार को बखूबी इंजॉय किया। फर्स्ट हाफ आपको पसंद आएगा सेकेंड हाफ की अपेक्षा, और क्लाइमैक्स के बारे में कहूँ तो थोड़ा कोशिश और करनी चाहिए थी और बेहतर कर सकते थे क्लाइमैक्स को। ये आपने देखी या नहीं, देखेंगे भी या नहीं कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जानवी कपूर की एक्टिंग कैसे लगी ये भी कॉमेंट में बताइएगा। तो भैया, सब्सक्राइब बटन को बजा बजा के किसी ने एकदम में लाल कर दिया, एक बार आप भी बजा दो सब्सक्राइब बटन, और हाँ बेल आइकन को किसी का पम समझ के दन दनादन बजा डालो।